सारेगामा कारवा 2.0। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ और आज 14 जुलाई के दिन प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे लेकर के आई हूं मैं आपके लिए देवानंद साहब की फिल्म जूल थीप से लता जी और किशोर दा का गाया हुआ गाना आसमां के नीचे, जिसे कंपोज किया है एसडी बर्मन जी ने और लिरिक्स दिए हैं मजरू सुल्तानपुरी जी ने। जूल थीप एसडी बर्मन जी के थर्ड फेज की शुरुआत थी जब उन्होंने किशोर दा के साथ काम करना शुरू किया। और जानते हैं आप, इस फिल्म की मेकिंग के दौरान एसडी बर्मन जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उनके बेटे आरडी बर्मन, जो कि उनके असिस्टेंट भी थे, उनका बड़ा हाथ था इस फिल्म के म्यूज़िक कंपोजिशन में। आरडी बर्मन जी ने जूल थीप फिल्म के कई गानों के मुखड़े कंपोज किए और दादा ने अंतरा, ऑर्केस्ट्रेशन, रिहर्सिंग और रिकॉर्डिंग पर ध्यान दिया था। लीड पेयर की बात करूं तो इस फिल्म से वैजयंती माला जी और देवानंद साहब की जोड़ी हिट हुई थी और उसके बाद कई बार हमें दिखाई दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद जी के लिए देव साहब को लेकर आना मुश्किल नहीं था, लेकिन अशोक कुमार जी, जिन्हें हम प्यार से दादा मुनि बुलाते हैं, उन्हें कन्विंस करना फॉर अ नेगेटिव रोल, ये बड़ा ही मुश्किल था। उस टाइम पर दादा मुनि जी की हार्ट सर्जरी हुई थी और जब विजय जी रूप तारा स्टूडियोज गए उनकी मंजूरी लेने तो काफ़ी नर्वस थे, लेकिन देव साहब ने विजय आनंद जी को दादा मुनि जी से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि विजय को आपके साथ फिल्म करनी है। और बाद में विजय जी ने उन्हें कहा कि रोल काफ़ी चैलेंजिंग है और फिल्म में लास्ट में जाकर के पता चलता है कि आप फिल्म के बैड मैन हो, और क्योंकि आपने एंटी हीरो का किरदार पहले भी किया है तो मेरे ख्याल में सिर्फ आप ही ये रोल को कर सकते हैं। अब दादा मुनि जी मान तो गए, लेकिन उन्होंने विजय जी के सामने तीन शर्त रखी। क्या थी ये शर्त, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल चलिए सुनते हैं आगे का गाना। तुम चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पहना दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। दादा मुनि जी फिल्म करने के लिए तैयार तो हो गए थे, लेकिन उनकी ये शर्त थी कि वो किसी को मारेंगे नहीं और कोई भी उन्हें नहीं मारेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उनकी जान ले लेगा, उनकी हार्ट सर्जरी जो हुई थी। विजय आनंद जी ने उन्हें समझाया इस बात को लेकर के कि आप फिक्र ना करें, क्योंकि फिल्म का विलन इंटेलेक्चुअल है, वो दिमाग का इस्तेमाल करता है, बाजुओं का नहीं। दादा मुनि वॉज रिलीव्ड, लेकिन फिर उन्होंने अपनी तीसरी शर्त रखी और वो ये थी कि दादा मुनि जी सेट्स पर 11 बजे सुबह शार्प आ जाएंगे मेकअप वगैरह के साथ में, फिर 2 घंटे बाद 1 घंटे का लंच ब्रेक लेंगे और 5 बजे पैकअप हो जाएगा। विजय जी ने उनकी सारी शर्तें मान ली और कहा कि हर मिनट उसे फॉलो किया जाएगा। बोलती है आज आंखें कुछ भी न, आज तुम कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही, लाल होठों के प्याले
तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, जूल थी फिल्म का गाना आसमां के नीचे। मैं हूँ रुचि आपके साथ। फिल्म की शूटिंग के पहले दिन पर देव साहब और अशोक जी 11 बजे शार्प पहुंच गए थे, लेकिन फिल्म की हीरोइन वैजयंती माला जी का कोई अता पता ही नहीं था। हर पौने घंटे में एक असिस्टेंट को भेजा गया था उन्हें बुलाने के लिए, और फाइनली 12:30 बजे के आसपास वो आया और कहा कि मैडम नहीं चाहती कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करे, वो जब तैयार हो जाएंगी तब खुद ब खुद आ जाएंगी। उसके कुछ 10 मिनट के बाद वैजयंती माला जी बाहर आई और पूछा कि क्या हुआ, मैं ज़्यादा लेट हो गई क्या? तब देव साहब ने कहा कि लंच टाइम हो गया है। इस बात पर वैजयंती माला जी को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन फिर विजय जी ने उन्हें समझाया कि फिल्म के सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट एक सर्टन टाइम टेबल पर आएंगे और हमें वही फॉलो करना है। बीइंग अ प्रोफेशनल, वैजयंती माला जी ने बाकी के दिन इस बात को फॉलो किया। खैर आइए बढ़ते हैं फिलहाल अगले गाने की ओर। गाना है जब अंधेरा होता है। आधी रात
जो निकलता है काली सी सड़क पे ये आवाज आती है चोर 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 शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है आधी रात के आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है जूल थी फिल्म का गाना आसमां के नीचे। मैं हूं रुचि आपके साथ। देव साहब दादा मुनि के बड़े फैन थे। जानते हैं आप देव साहब और दादा मुनि जी की मुलाकात पहली बार कब हुई थी? देव साहब अपनी गाड़ी की ओर जा रहे थे तब डायरेक्टर शाहिद लतीफ जी ने उन्हें अप्रोच किया और पूछा कि अगले दिन बॉम्बे टॉकीज आओगे क्या? देव साहब ने पूछा क्यों भाई क्या हो गया? तो उन्होंने कहा अरे देव आ जाओ भाई। अगले दिन देव साहब चले गए नहीं जानते हुए कि जब वो रूम में एंटर करेंगे तो सामने उन्हें अशोक कुमार दिखाई देंगे। जैसे ही उन्होंने अशोक कुमार जी को देखा वो खुशी के मारे बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि ये सच में हो रहा है। ये मीटिंग डायरेक्टर ने पहले से ही प्लान करके रखी थी। काफी टाइम तक तो देव साहब सिर्फ उन्हें देख ही रहे थे, कुछ बोल भी नहीं पाए। अशोक कुमार जी बस एक सिगरेट लेकर के खड़े हुए थे और देव साहब उनकी स्टाइल को ही एडमायर करते चले जा रहे थे। चलिए फिलहाल आपको एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुना रही हूँ और वापस आऊंगी तो फिर से सुनाऊंगी आपको आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। कितनी दीवानी मेरी
आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे मैं याने की रुचि और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो गाना है जूल थी फिल्म से आसमां के नीचे। आई होप आपको ये गाना, इस गाने से जुड़ी सभी बातें बेहद पसंद आई हूं। अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। उसी के साथ कोई ऐसा गाना जो आप चाहते हैं कि बने प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे वो भी बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारे गामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही एक बार फिर से सुनिए आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे मेरे सारे गामा कारवा से। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पहना दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन,
आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान देखो आई है धूम से अब की बहारें हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारें आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना के चले आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना चले आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान बना के चले।